फिल्म अजनबी साल 2001 में रिलीज हुई अब्बास मस्तान की सुपरहिट फिल्म थी, जिसमें बॉबी देओल के साथ करीना कपूर, अक्षय कुमार और बिपाशा बसु जैसे स्टार्स थे। इस फिल्म में अक्षय कुमार ने नेगेटिव रोल निभाया था और बॉबी ने पॉजिटिव। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में विलन का रोल पहले बॉबी देओल ही निभाने वाले थे, जो बाद में फिर अक्षय को मिला। दरअसल एक एंटरटेनमेंट पोर्टल से बात करते हुए बॉबी देओल ने बताया कि फिल्म अजनबी में वो अक्षय कुमार वाला रोल निभाने वाले थे, लेकिन अचानक से उनसे ये किरदार ले लिया गया और उनसे फिर पॉजिटिव किरदार निभाने को कहा गया। बॉबी ने बताया, मैं फिल्म सोल्जर के लिए शूट कर रहा था, उस समय इस फिल्म को लेकर बात हुई और मुझे अच्छे से याद है कि अब्बास मस्तान भाई चाहते थे कि मैं नेगेटिव किरदार करूं। मैं अपने किरदार को लेकर काफी एक्साइटेड था, क्योंकि अपने करियर की शुरुआत में ही मैं ऐसे किरदार निभाने लगा था। लेकिन जब मैंने सोल्जर खत्म की, अब्बास मस्तान भाई ने कहा कि तुम सोल्जर में नकारात्मक किरदार निभा चुके हो, तो अब तुम पॉजिटिव किरदार निभाओ। इस तरह से फिल्म अजनबी की कास्टिंग हुई। आपको बता दें कि बॉबी देओल ने हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री में 25 साल पूरे किए हैं। बॉबी देओल ने 90 के दशक में फिल्म बरसात से बॉलीवुड में कदम रखा था, जो बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। इस फिल्म के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और बिच्छू, बादल, सोल्जर और दिल्लगी में शानदार अदाकारी कर ऑडियंस को अपना दीवाना बना दिया। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।